बच्चा माँ के गर्भ के अंदर 19 सप्ताह उपरांत लगातार एमनियोटिक द्रव को चूसता और निगलता रहता है। एमनियोटिक द्रव के हिलने से बच्चे को परिपक्व चूसने के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलता है। NICU में भर्ती अपरिपक्व शिशुओं के लिए यह चूसने का विकास कई कारणों से बाधित होता है। OG ट्यूब, ET ट्यूब और फिक्सेशन टेप जैसी कई नकारात्मक उत्तेजनाएं बच्चों को चूसने की क्षमता के संपूर्ण विकास को बाधित करती हैं। इसलिए इन शिशुओं में चूसने और निगलने के समुचित विकास के लिए हमें उन्हें पर्याप्त ओरोमोटर उत्तेजना प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ओरोमोटर उत्तेजना यानी निगलने की प्रक्रिया के बेहतर विकास के लिए होंठ, गाल, जीभ, मसूड़े और तालू की मांसपेशियों को संवेदनशील उत्तेजना प्रदान करने की विधि है। इस प्रक्रिया को डॉक्टर या नर्स के बताने पर शुरू किया जाना चाहिए। इस विधि को करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा और इस विधि को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि नवजात शिशु पूर्ण मौखिक आहार पर ना आ जाए। शुरू करने से पहले बच्चे की हालत स्थिर होनी चाहिए, उसे नली से दिए हुए दूध पर होना चाहिए। इस विधि को करने से पहले माँ अपना हाथ अच्छी तरह से धो ले। इस प्रक्रिया में 8 चरण होते हैं जो कि शिशु के स्तनपान के लिए आवश्यक मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। गाल का सी स्ट्रेच, एक उंगली गाल में और एक गाल के बाहर रखें। बाहर की उंगली को आगे से पीछे कान की ओर और फिर पीछे से आगे की ओर एक सी पैटर्न बनाते हुए स्लाइड करें। यह दोनों तरफ प्रत्येक फीट से कम 2 बार 30 सेकंड के लिए किया जाना चाहिए। लिप रोल, धीरे से अपने अंगूठे और उंगली के बीच होंठ को रोल करें, जैसे कि एक मटर को रोल करते हैं। ऊपरी और निचले होठों के दोनों किनारों को 30 सेकंड के लिए एक बार रोल करें। लिप कर्ल या लिप स्ट्रेच, होठों को अंगूठों और उंगली के बीच दबाएं और नीचे की ओर कर्ल करें। ऊपरी होठ और निचले होठ के दोनों किनारों को एक बार कर्ल करें। अगर होठ कर्ल के लिए पकड़ने के लिए बहुत छोटा है तो होठ को हल्के से खींचें, ऊपरी होठों पर उंगली रखें, धीरे से दबाएं और अगल बगल खींचें। निचले होठ के लिए समान प्रक्रिया दोहराएं। मसूड़ों की मालिश, मसूड़ों के बाहर कोमल दबाव डालने के लिए उंगली का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि मसूड़ों की बाहरी सतह को स्पर्श करें, काटने वाली सतह को नहीं। ऊपरी मसूड़े पे धीरे धीरे उंगली को मुंह के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ले जाएं। निचले मसूड़ों के लिए समान प्रक्रिया दोहराएं। जीभ गाल के कोने, उंगली को जीभ के पास रखें और बीच की ओर ढकेलें। फिर उंगली को पीछे खींचते हुए गाल में ले जाएं। जीभ गाल के दूसरी तरफ भी समान प्रक्रिया दोहराएं। जीभ तालू का मध्य भाग, 3 सेकंड के लिए तालू पर दबाव डालने के लिए उंगली का प्रयोग करें। उंगली को जीभ के नीचे ले जाएं और जीभ को धीरे से नीचे दबाएं। उंगली को वापस सख्त तालू पे ले जाएं। इन दोनों प्रक्रियाओं को 2 बार दोहराएं। स्तनपान स्थापित करना, खाली स्तनों से लगाव को प्रोत्साहित करें और 2 मिनट तक चूसने दें। माँ को चाहिए कि वह अपने दूध को निकालकर खाली स्तन पर बच्चे को चूसने का प्रयास करने दे। यह गैर पौषिक चूसना न केवल शिशुओं के लिए बल्कि माताओं के लिए भी फायदेमंद है, जिससे मातृ स्वास्थ्य में सुधार होता है और स्तन में दूध की मात्रा बढ़ती है। हमने इस वीडियो के द्वारा देखा कि समय से पहले पैदा हुए बच्चे को कैसे
हम जल्दी से जल्दी छाती के दूध पीने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आपके बच्चे के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है, इसलिए हम जल्द ही आपके बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छुट्टी के बाद आपको बच्चे की किन ज़रूरतों का ध्यान रखना है, घर पर किए जाने वाली किन गतिविधियों से बच्चे के दिमागी विकास में मदद हो सकती है और बच्चे के विकास से संबंधित कुछ चेतावनी संकेतों को कैसे पहचानना चाहिए। 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध संपूर्ण आहार होता है और इस दौरान बच्चे को ऊपर से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने बच्चे को दिन और रात दोनों समय उसकी मांग के अनुसार स्तनपान कराना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को केवल अपने डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाइयाँ ही दें। आप बच्चे के दिमागी विकास के लिए कई तरीके अपना सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बिना किसी बाधा के लगातार सोने दिया जाए। जब बच्चा जाग रहा हो और उसकी आंखें खुली हों तो उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज़ों में बात करें। लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर रंग बिरंगे खिलौने लटकाएं ताकि बच्चा उसे देखे और ध्यान केंद्रित करे। स्तनपान कराते समय भी बच्चे की तरफ देखें और उससे धीमी आवाज़ों में बात करें। बच्चे के लिए बड़ी तस्वीर वाली साधारण किताबें पढ़ें और उसे कहानियां सुनाएं। जितना हो सके उतना बच्चे को डिजिटल उपकरण जैसे कि टीवी व फोन से दूर रखें। अगर आप घर में काम में व्यस्त हैं तो भी कोशिश करें कि घर का कोई भी सदस्य बच्चे को गोद में थोड़ी देर घुमा सके। बच्चे की हाथों से मालिश करें तथा हाथों और पैरों की हल्की कसरत करवाएं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिशु को निगरानी में पेट के बल लेटने के लिए प्रोत्साहित करें। यह सब गतिविधियों के करने से आपके बच्चे का पूर्ण दिमागी विकास में मदद होगी। पहले 3 महीने में बच्चे के विकास से संबंधित कुछ चेतावनी चिन्हों को समझना अति आवश्यक है। अब हम आपको इन संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर 3 महीने के बाद भी दूध पिलाते वक्त या बात करते वक्त बच्चा मां से आंख ना मिलाए, अचानक जोर से आवाज होने पर भी बच्चा ना चौंके, हाथ पांव सर्व गर्दन की मांसपेशियां अकड़ाए और सर पीछे की तरफ झुकाए, हाथ के अंगूठे को लगातार हथेली में दबाए रखे और मुट्ठी ना खोले, तो इनके बारे में स्वास्थ्य कर्मचारी को जरूर बताए। इसके अलावा घर पर अगर कभी भी बच्चा सुस्त लगे, दूध ना पिए, बार बार उल्टी करे, तेज सांस ले, उसकी छाती में गड्ढे पड़े, उसके सांस लेने में तकलीफ हो, उसके हाथ पैर नीले पड़े या उसे दौरे आए, तो बच्चे को फौरन अस्पताल लेकर आए। हमें उम्मीद है कि घर ले जाकर आप बच्चे की उतनी ही अच्छी तरीके से देखभाल करेंगी जैसे कि आपने अस्पताल में करी है। धन्यवाद।